नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने नॉन टेक्निकल की बहुत ढेर सारी पोस्ट है, जिसमें कि 1145 पोस्ट है, इसका ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि बता दूं इसका लास्ट डेट जो है 16 मार्च है और फीस पेमेंट की 17 मार्च है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं फॉर्म इसका आप कैसे भरेंगे। ये देख सकते हैं पूरा डिटेल्स और ऑफिशियल वेबसाइट इस समय ओपन है। तो हम सीधा यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो लिंक दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो है आपका लॉगिन का है। तो हम नए यूज़र है, यानी अभी हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इसका फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, फॉर्म आपको मिलेगा rozgarresult.com पर। जी हाँ दोस्तों, भरोसेमंद और विश्वसनीय वेबसाइट rozgarresult.com, आपको इस पे जाना है। टॉप ऑनलाइन फॉर्म के सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पे। दोस्तों, जिस दूसरी वेबसाइट का मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है sarkarirezult.com। दोस्तों, जब भी गूगल पर सरकारी रिजल्ट खोलिए, लास्ट में चेक कीजिए .com लगा है कि नहीं, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई हैं, जिसमें आपको अधूरी गलत जानकारी मिल सकती है। अब हम वापस चलते हैं अपने फॉर्म पर, न्यू रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं आपको क्या क्या जरूरत है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें फीस बता दूँ कि जनरल कि जो है 1000 है, OBC EWS महिलाओं की जो है 800 रुपये फीस है, SC ST PH की जो है 600 रुपये फीस है। सीधा हम यहाँ टिक करते हो, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करके आगे करते हैं। दोस्तों, तो बहुत ही ढेर सारी वैकेंसी है, जैसे स्टेनो है, असिस्टेंट है, मेडिकल की है, म्यूजिक की है, फिजिकल एजुकेशन है। तो पूरी जानकारी के लिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा sarkarirezult.com और rozgarresult.com का, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि 50 से अधिक पद है जिसमें जो है ये भर्ती होने जा रही है। फिलहाल हम चलते हैं फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाई स्टेप, क्या क्या इसमें सिक्योरिटी दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ इसमें क्रिटिकल है, आपको सब बताएंगे। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेके इन तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं, अपने पिता का नाम डाल देते हैं, मदर का नाम डाल देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, और यहाँ पे अपना जो है अपना एक आईडी प्रूफ अपलोड देना है, जैसे कि आप पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, और साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड वगैरह दिया है तो उसको भी आप दे सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो आप एनी अदर में भी दे सकते हैं कोई भी आईडी प्रूफ। तो मैं वोटर आईडी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी एड्रेस हो आपका, और यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर देनी है आपको। दोस्तों, आपको बता दिए फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ आप इसको कंप्यूटर से ही भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर दिया है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दी है, पिन कोड डाल दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, और दूसरा एड्रेस आपको यहाँ पे सेम अगर है तो सेम कर दीजिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग हो तो अलग आप टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पासवर्ड की। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सबसे ज़्यादा किस वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो आप डाल सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छी लगे। मैंने सरकारी रिजल्ट डाल दिया, आपको जो अच्छा लगे वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड बता दें 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, मतलब मिनिमम 8 करेक्टर है, मैक्सिमम 13 करेक्टर। अब आप मान लीजिए आपका नाम है सुरेश, तो आप SURESH एस कैपिटल कर लीजिए, @123 लगा सकते हैं। इस तरीके का कुछ भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो मैं इस तरह का पासवर्ड एक बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम जिसको जो है सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं, क्या क्या मांगा है दिखाते हैं आपको। दोस्तों, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें आपकी जो दोबारा प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, और अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये देखिए इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें जो है चेंज नहीं होंगी। तो मैं इसको यहाँ पे सब पे टिक कर देता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें जो अच्छी तरीके से चेक कर ली हैं, और उसके चेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक देखिए एग्री का बटन दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों इसके बाद भी आपका कोई फॉर्म कुछ गलती दिखाई देती है, तो आपको एडिट वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, तो यहाँ फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं फाइनल सबमिट करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्म में जो है कई स्टेप है, जैसे कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये तीनों स्टेप हमारे भी इनकम्प्लीट दे रहे हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखिए यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों, जैसे आप आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपका जो जन्म है वो किस स्टेट में हुआ, यानी कि आपका बॉर्न जो है किस स्टेट में हुआ उसको डालना है। आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है, कोई विकलांगता यानी दिव्यांग का वेटेज है तो वो डाल सकते हैं आपको, और माइनॉरिटी वगैरह अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन पर पहुँचने वाले हैं नीचे, तो आप देख सकते हैं मैं नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे सब पे मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि ये हर स्टेप पर लोडिंग लेता है, इसलिए थोड़ा ये फॉर्म जो है लेंथी हो जाता है, और लास्ट डेट का अगर आप वेट करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सर्वर का भी इशू का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने नो कर दी हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन पूछ रहा है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके इम्प्लाई है या कॉन्ट्रैक्ट या वेजेस पे है, तो आप ऐसा है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, लोग बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर मैं एक साथ कई पोस्ट के लिए डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ। तो हाँ बिल्कुल ऐसा कर रखा है इन्होंने कि अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो नीचे देख सकते हैं ये पोस्ट कोड खुल चुका है। ये पोस्ट कोड में आपको किस किस पोस्ट के लिए डालना है तो उसके लिए आपको पूछा, जैसे मैं इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए डाल दे रहा हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए डाल दे रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट स्टोर के लिए डाल दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं डाल दे रहा हूँ असिस्टेंट के लिए डाल दे रहा हूँ, स्टेनो के लिए डाल दे रहा हूँ, वर्क असिस्टेंट के लिए डाल दे रहा हूँ। बाकी आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। मैं इसका लिंक जो है कंप्लीट हर पोस्ट के वाइज क्या एलिजिबिलिटी दी है इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है आपका क्वेश्चन पेपर किस में चाहिए, हिंदी में कि इंग्लिश में, तो मैंने यहाँ इंग्लिश कर दिया है। आपकी इच्छा है आप इस पर किस पे लेना चाहते हैं। अगला ऑप्शन है तीन, आपको चार एग्जामिनेशन सेंटर देने हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यूपी का पहला सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने चारों पे यूपी सिलेक्ट कर दिया। अगर आपको इसको यूपी के अलावा कहीं और सेंटर भी चाहिए तो आप इस तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने चारों एग्जामिनेशन सेंटर जो है सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ पे पूछा है आपकी क्वालिफिकेशन पे, तो क्लास टेंथ सबसे पहले पूछा है, यानी कि हाई स्कूल है क्लास टेंथ। उसके यहाँ पूछेगा आपने कब इसको जो है पास आउट है कि अपीयरिंग है, तो थोड़ा लोडिंग ज़्यादा ले रही है साइट। और आप यहाँ पे आपका पूछा है कि आपने क्लास टेंथ यानी हाई स्कूल का पास किया है, तो यहाँ पे स्ट्रीम में ऑटोमेटिक चीज़ें आ रही हैं तो उसमें आपको सिलेक्ट ही केवल करना है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टडी का मीडियम, अगर आप सीबीएसई बोर्ड हो तो इंग्लिश कर सकते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड हो तो आप हिंदी कर सकते हैं। अगर आपको यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश में पढ़ाई की है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपने मीडियम जो है क्या था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे यूपी बोर्ड कहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ। यूपी तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए यू स्पेस देके पी लिखेंगे तो आपको यूपी बोर्ड मिल जाएगा, और अगर आपका किसी और बोर्ड हो तो अपने बोर्ड का चयन कर लीजिए। अगला पूछा है यहाँ पे आपका रिजल्ट का मोड क्या था और आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस जो है क्या था। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज कर देता हूँ, मतलब अगर आपका सीजीपीए हो तो सीजीपीए भी कर सकते हैं, उसमें आपको अपना नंबर जो है सीजीपीए में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर पूछा है कितना नंबर था, आपको कितना नंबर मिला था, और परसेंटेज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आपके जो हाई स्कूल का जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम पूछ रहा है और उसका एड्रेस पूछ रहा है। इसी तरह क्लास 12 में आपको डिटेल देना है कि क्लास 12 आप जो है पास आउट है कि अपीयरिंग है। इसी तरह दोस्तों आपको नीचे पूरा ग्रेजुएशन तक देना है। देख सकते हैं मैं धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें फिल आउट कर रहा हूँ, तो इसको हम भरते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इंटर में भी अपनी यहाँ तक थोड़ा पहुँच गया हूँ। थोड़ा सर्वर का इशू ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बार बार साइड लोडिंग ले रही है। और इसी तरह आपको ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, अगर आपका ग्रेजुएशन पास है अपीयरिंग है, नॉट एप्लीकेबल है। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन जो पोस्ट आपने डाली उसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी मांगी है, उसी हिसाब से आपको भरना है। जिसमें आपका नहीं है उसको आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबको नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूँ। एनी अदर आपका क्वालिफिकेशन हो तो उसको भी आप दे सकते हैं। और उसके यहाँ पूछा है कि आप इम्प्लाई, अगर आप इम्प्लाई है तो आप ये कर दीजिए, करेंटली इम्प्लाइड, वेर इम्प्लाइड, और अनइम्प्लाइड यानी बेरोजगार है तो आप बेरोजगार भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अनइम्प्लाइड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ, इस कैप्चा को डालता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन में किया था उसी तरह आपको यहाँ पे दोबारा फिर करना है, यहाँ पे टिक करना है। कोई अगर गलती है तो एडिट पे क्लिक करना है, नहीं तो फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे सब पे जो है टिक कर देता हूँ। देख सकते हैं मैंने सब पे टिक कर दिया है कि सारी जानकारी जो है मैंने जो दी है सब कुछ सही है, सब कुछ मैंने अपना दोबारा रिचेक कर लिया। मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, यहाँ देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन विजिबल हो गया। देखिए जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे तभी ये विजिबल होगा, तो विजिबल हो गया। अब हम इसको टिक करते हैं और आगे चलते हैं। तो सब आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड स्टेप है यानी कि ये जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे दो स्टेप बचे हैं यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फीस। तो अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए हमको यहाँ पे देखिए आपको लिंक दिखाई दे रहा है अपलोड इमेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे टोटल आपको चार चीज़ें जो है लगानी है। पहली लगानी है आपको फोटो लगानी है अपनी, जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। दूसरा आपको सिग्नेचर लगाना है। तीसरा आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना है। डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट में आप जो चाहे लगा सकते हैं। और तीसरा आपको लगाना है अपना टेंथ का सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें लगानी है, उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू करके आगे चलना है। तो मैं सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों एक चीज़ थोड़ा इसमें और थी जो मैंने सोचा आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो फोटो और सिग्नेचर मांग रहा है वो तो आपका जो है नॉर्मल मांग रहा है, लेकिन जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चीज़ें लगानी है ये आपको पीडीएफ में लगानी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ लगा लिखा भी हुआ है। ये दोनों चीज़ें आपकी जेपीजी में नहीं लगेंगी, इसलिए पीडीएफ स्कैन में ही लगानी है। तो ये दोनों चीज़ें पीडीएफ में लगाइएगा। पीडीएफ में लगाने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। तो मैं लगाता हूँ और दिखाता हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। अब हम चलते हैं नीचे, यानी कि यहाँ पे दोबारा कैप्चा दे रहा हो, यहाँ अपलोड पे फाइनल आ रहा है, यानी कि आप सारी अपलोड फाइल अपनी चेक कर लीजिए, उसके बाद अपलोड करके आगे बढ़िए। मैं अपलोड करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपलोड करने से पहले जो फोटो आप लगा रहे हो उसमें आपके दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। मैं अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम आप करें तो देख सकते हैं हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं फीस जो आ रही है वो आ रही है 7,000 रुपये। अब आप सोचेंगे इसकी फीस तो कम थी लेकिन फीस ज़्यादा क्यों आ रही है, तो इसका मैं आपको बता दूं, हमने जो है कई पोस्टों के लिए अप्लाई किया है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए डालना है तो आपको अलग अलग आवेदन नहीं करने हैं, आपको सिंगल आवेदन ही करना है, उसी में आपको सारी पोस्टें सेलेक्ट करनी है। अब आपको लग रहा है कि आपको जो है 7,000 रुपये फीस तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको दोबारा एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है और आपको लगता है कि ये पोस्ट हमारे मतलब की नहीं है, हम इस पोस्ट को हटा दे, तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो कैसे हटाएंगे मैं आपको करके दिखाता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम वापस आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि मैंने कई फॉर्म सिलेक्ट कर रखे थे। तो मैं सारी पोस्टों को हटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से लगा रखा था। तो मैं सिंगल यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है केवल उसी के आवेदन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि फीस कितनी आ रही है। तो देख सकते हैं मैंने सारी पोस्टें जो हटा दी, केवल एक सिंगल पोस्ट का रखा, हम इसको नीचे चलते और सबमिट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अब आप इसकी फीस, आप देख सकते हैं मैंने वहाँ 7,000 दिखाया, फिर मैंने वहाँ पोस्ट हटा दी तो उसकी फीस अपने आप कम हो गई। तो दोस्तों इसका सीधा मतलब है आप जितनी पोस्ट के लिए डालेंगे उसके पर पोस्ट आपको फीस 1,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आप उसका फॉर्म अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें फीस पेमेंट बचा हुआ है। फीस पेमेंट कैसे होगा, किस मेथड से होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और फीस पेमेंट आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें जैसे आप पेमेंट पे आगे बढ़ेंगे तो उसका पेमेंट आप कई मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टेट बैंक से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से जिसमें 5.90 रुपये आपको जो है ट्रांजेक्शन शुल्क लगेगा, आप अदर बैंक से भी कर सकते हैं, आप स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, साथ ही साथ आप UPI से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो सबसे सेफ मेथड मानता हूँ वो डेबिट कार्ड को मानता हूँ और साथ ही साथ आपकी नेट बैंकिंग को मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ट्रांजेक्शन एरर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल के रेशियो बहुत रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक है, साथ ही साथ आप वैकेंसी के डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।